ये कहता है कि टू रॉड है ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ध्यान देना, इनकी वेल्ड टुगेदर एज शोन इन फिगर, इनको एक साथ जोड़ दिया गया, वेल्ड टुगेदर, और थर्मल कंडक्टिविटी के वन एंड के टू है, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट रॉड, पूरे रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। अब आप दो टाइप का कनेक्शन पढ़ के आए होंगे, एक कनेक्शन ऐसे पढ़े होंगे रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी के वन के टू, ये इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं बोलो, सीरीज कनेक्शन, यहाँ से हीट देंगे। एक कनेक्शन आप ऐसे पढ़े होंगे, ठीक है, एक के ऊपर एक रख देंगे, ये कौन सा कनेक्शन है भाई, पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ से हीट देंगे और इधर जाएगा, ठीक है। तो ये दो टाइप का कनेक्शन आप मतलब कॉम्बिनेशन पढ़ के आए होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसमें डायरेक्ट में रिजल्ट का यूज करूँगा, अब आप बुक खोलो और थियरी देखो कि इसमें डायरेक्ट जो है वो के इक्विवेलेंट, अगर इसका के इक्विवेलेंट के वन है, के टू है, के थ्री है, तो इस पूरे का के इक्विवेलेंट होता है के वन ए वन प्लस के टू ए टू प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये डायरेक्ट। अब ये कहता है कि जो रॉड है वो टू रॉड एन बी डिफरेंट शोन इन फिगर देयर थर्मल कंडक्टिविटी के कंपोजिट रॉड, अब ये जो लेंथ है वो दोनों का लेंथ इक्वल है, दोनों जो रॉड है वो सिमिलर, मैं मान लेता हूँ ये लेंथ इक्वल है, एरिया क्रॉस सेक्शन ये इक्वल मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेंशन चलो, बट एरिया क्रॉस सेक्शन के वन अपन के टू अब बाई टू, यहाँ एरिया ए वन अपन ए टू होता भाई, यहाँ एरिया थोड़ा सा गलती हो गया था प्यारे बच्चों, यहाँ एरिया ए वन और ए टू है प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये आ जाएगा, दैट इज द फाइनल सोल्यूशन। आई सपोज कि एरिया सिमिलर यहाँ ले लिया हूँ,